नमस्कार प्यारे बच्चों बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे सेट्स के बारे में। ये प्लस वन क्लास का एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है सेट्स। इस यूनिट में सबसे पहले हम करेंगे डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी पार्ट, आफ्टर दैट डेफिनेशंस, आफ्टर दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स एंड ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मूव टुवर्ड्स इंट्रोडक्टरी पार्ट। इन इंट्रोडक्शन The concept of set serves as a fundamental part of the present day mathematics. Today, this concept is being used in almost every branch of mathematics. Sets are used to define the concepts of relations and functions, the study of geometry, sequences, probability, etc. All these concepts require the knowledge of sets. जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, मैथ की हर फील्ड में सेट का यूज़ किया जाता है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया गया है। नेक्स्ट, सेट का कंसेप्ट आया कहाँ से, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। द थ्योरी ऑफ सेट्स वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कंटर, जिनका जन्म 1845 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1918 में। ही फर्स्ट एनकाउंटर सेट्स वाइल वर्किंग ऑन प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस सम बेसिक डेफिनेशंस एंड ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग सेट्स। तो इन्होंने सेट्स का कंसेप्ट कब दिया था, जब वो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, तो वहाँ इसका सेट जो है वहाँ सेट का कंसेप्ट वहाँ से डिवेलप हुआ। तो ये था सेट का कंसेप्ट किसने दिया, कब दिया और कैसे दिया, इसके बारे में हमने इसमें चर्चा की। आफ्टर दैट अब हम सेट की डेफिनेशन और इसकी प्रेजेंटेशन इन एवरीडे लाइफ उसके बारे में चर्चा करेंगे। वी ऑफन स्पीक ऑफ कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए पार्टिकुलर काइंड। जैसे हम बात करते हैं कलेक्शन की, पार्टिकुलर काइंड की चीज़ों की और उनकी कलेक्शन की। जैसे कि आपके पास एग्जांपल है ए पैक ऑफ कार्स, ताश की गड्डी जो होती है, एक क्राउड ऑफ पीपल लोगों की भीड़, एक क्रिकेट टीम एट्सेट्रा। ये सारी कलेक्शन जो हैं हमें एक सेट की सेट को नोटेट कर सेट के बारे में बताती हैं कि ये सारी कलेक्शन जो है एक सेट है। इन मैथमेटिक्स आल्सो वी कम अक्रॉस कलेक्शंस फॉर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल नंबर्स, पॉइंट्स, प्राइम नंबर्स एट्सेट्रा। मोर स्पेशली वी एग्जामिन द फॉलोइंग कलेक्शंस, जैसे कि आपको नीचे दे गई हैं, दे रखी हैं, और नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये जो कलेक्शन है ये भी एक ये कलेक्शन जो है सेट को दर्शाती है, या रिवर्स ऑफ इंडिया ये भी सेट बनाती हैं, द बॉबल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट नेमली AEIOU ये भी एक सेट बनाती हैं, वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल्स ये भी एक सेट को रिप्रेजेंट करती हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210 नेमली 2, 3, 5, 7 ये भी सेट बनाती हैं, सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन x² - 5x + 6 दैट इज वैल्यूज ऑफ x विच आर 2 एंड 3 ये भी एक सेट को प्रदर्शित करती हैं। तो इस प्रकार के एग्जांपल जो हैं, ये जो कलेक्शंस हैं ये सारा
एक सेट की कलेक्शन सेट शो करती हैं। तो किस प्रकार से सेट बनता है ये आपको मैंने एग्जांपल की हेल्प से बता दिया है। नेक्स्ट है वी नोट दैट ईच ऑफ द अबव एग्जांपल्स इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द सेंस दैट वी कैन डेफिनेटली डिसाइड वेदर ए गिवन पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू ए गिवन कलेक्शन और नॉट। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट द रिवर नाइल डज नॉट बिलोंग टू कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। जैसे कि अगर नाइल नदी की बात करें तो ये नदी जो है इंडिया की जो रिवर्स की कलेक्शन उसमें नहीं आती है, क्योंकि नाइल नदी अफ्रीका में बहती है। तो ये जो इंडिया की रिवर्स हैं और उनकी जो कलेक्शन है उससे बिलोंग नहीं करती है। ऑन द अदर हैंड रिवर गंगा डज बिलोंग टू दिस कलेक्शन। लेकिन गंगा जो नदी है वो इंडिया में बहती है और इंडिया की रिवर है, तो रिवर्स ऑफ इंडिया की कलेक्शन में आएगी। वी गिव बिलो ए फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सेट्स यूज पार्टिकुलरली इन मैथमेटिक्स। हम और भी कई तरह के एग्जाम्पल देंगे जो मैथ में पार्टिकुलरली यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन नेचुरल नंबर होते हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। जेड सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्यू द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स। जेड प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। क्यू प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। आर प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये जो हैं इन इंग्लिश अल्फाबेट से ये सारे नंबर्स जो हैं रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे नेचुरल नंबर के लिए एन, नेचुरल नंबर एन से, इंटीजर्स जेड से, रैशनल नंबर क्यू से, रियल नंबर आर से, पॉजिटिव इंटीजर जेड प्लस से, रैशनल नंबर क्यू प्लस से और पॉजिटिव रियल नंबर आर प्लस से। द सिंबल्स फॉर द स्पेशल सेट्स गिवन अबव विल बी रेफर टू थ्रू आउट दिस टेक्स्ट। तो ये सेट को जो रोटेट डिनोट किया जाता है वो कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट से किया जाता है, लेकिन जो ये स्पेशल सेट्स हैं इनको इन स्पेशल अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। थैंक्स।